ऐसी क्या आन पड़ी कि युवा मोर्चा को समोसा मार्च जो है वो शिमला में निकाला पड़ रहा है? निवेदन है प्रदेश सरकार से कि वो सीआईडी के जो जांच के मुद्दे हैं उसमें जांच के काम में उनको लगाइए। कांग्रेस सरकार में भिन्न भिन्न विभागों में हुए घोटालू उनकी जांच सीआईडी से कराइए। और प्रदेश भर में हाल में हुई अनेकों मर्डर में कंट्रोल रूम के सामने यहाँ मर्डर हो जाता है। प्रदेश का शिमला मेन लोकेशन अगर सेफ नहीं है, हम प्रदेश को कितना सुरक्षित करेंगे? आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए। यह है कि प्रदेश में इसी सरकार ने 2 सालों से रिक्त पड़ रहे पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया, भाजीमो उसको लेकर सड़कों पर नजर नहीं आया, आज समोसे को लेकर जो है वो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, देश भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। हमने अनेकों बार प्रदेश सरकार के प्रति धरने भी किए हैं, जो भी इन्होंने ऐसे काम किए हैं प्रदेश में। मैं बता रहा हूँ ये कोई पहला काम नहीं है कि 2 सालों से रिक्त पड़े पदों को ये खत्म कर रहे हैं। इनसे पहले भी इन्होंने कहा था हम 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन उसमें भी इनका कुछ काम नहीं हुआ। जो डीजी सीआईडी है वो कह रहे हैं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सीआईडी का अपना आंतरिक मामला है। सीआईडी की ही रिपोर्टें अगर सेफ नहीं है, उनकी ही नोटिफिकेशन, उनके ही इंक्वायरी नोटिस बाहर आ जाते हैं, तो फिर हम किसको सुरक्षित मानेंगे? सीआईडी ही इस पे बहुत बड़ा प्रश्न मार्क चिन्ह लगता है। में राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान के बाद हिमाचल प्रदेश सीआईडी के समोसे पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। शिमला में आज युवा मोर्चा द्वारा समोसा मार्च निकाला जा रहा है। शेरे पंजाब पर इस वक्त हम मौजूद है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज जी है। सर, आज ऐसी क्या आन पड़ी कि युवा मोर्चा को समोसा मार्च जो है वो शिमला में निकाला पड़ रहा है? आप सबको ध्यान में ही है, ये हिमाचल प्रदेश, मैं फिर कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम हमारा प्रदेश है। उस प्रदेश का पूरा देश और दुनिया के सामने बार बार मजाक बनाना, ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार बंद करे। कभी ये टॉयलेट टैक्स की बात कर देते हैं और कभी जो 5-स्टार होटल से 21 समोसे आते हैं उन 21 समोसों की आप सीआईडी से जांच कराने का काम शुरू करते हैं। मेरा इतना निवेदन है प्रदेश सरकार से कि वो सीआईडी के जो जांच के मुद्दे हैं उसमें जांच के काम में उनको लगाइए। कांग्रेस सरकार में भिन्न भिन्न विभागों में हुए घोटालू उनकी जांच सीआईडी से कराइए। और प्रदेश भर में हाल में हुई अनेकों मर्डर में कंट्रोल रूम के सामने यहाँ मर्डर हो जाता है। प्रदेश का शिमला मेन लोकेशन अगर सेफ नहीं है, हम प्रदेश को कितना सुरक्षित करेंगे? आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए। और ऐसे अनेकों विषय हैं, उनकी आप सीआईडी से जांच करिए, उस काम में लगाइए। और हिमाचल प्रदेश का ये मजाक बनाना बंद करिए, क्योंकि अनेकों प्रकार के चुटकुले चले सोशल मीडिया पे। कभी कुछ लोग कहते हैं सोने से आलू बनाएंगे, मेरे को लगता है सोने वाला आलू समोसे में आ गया, या तो इनको आदत पड़ गई है। इसलिए ये प्रदेश का मजाक बनाना बंद करें और विकास के कामों को गति दे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वैसे भी हिमाचल की जनता का प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सर, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश में इसी सरकार ने 2 सालों से रिक्त पड़ रहे पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया, भाजीमो उसको लेकर सड़कों पर नजर नहीं आया, आज समोसे को लेकर जो है वो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, देश भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। हमने अनेकों बार प्रदेश सरकार के प्रति धरने भी किए हैं, जो भी इन्होंने ऐसे काम किए हैं प्रदेश में। मैं बता रहा हूँ ये कोई पहला काम नहीं है कि 2 सालों से रिक्त पड़े पदों को ये खत्म कर रहे हैं। इनसे पहले भी इन्होंने कहा था हम 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन उसमें भी इनका कुछ काम नहीं हुआ। और फिर इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, इनके एक CPS वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट हो गए थे, उन्होंने कहा मैंने पूरी जांच पड़ताल की हुई है और मेरे को पता हम 300 यूनिट बिजली फ्री में दे सकते हैं। अब वो सारे गुम है, उन सारे मुद्दों पे ये बैकफुट पे नजर आते हैं और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार फेल है। अब लोगों को इन पे कोई विश्वास नहीं है। इन करे नशेरे की बढ़ती प्रवृत्ति को यहाँ हिमाचल में रोके, उसकी जांच कराइए। इसलिए हम इनको कहना चाहते हैं आप ठीक काम करिए हिमाचल को विकास की। लेकिन जो डीजी सीआईडी है वो कह रहे हैं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सीआईडी का अपना आंतरिक मामला है। ऐसा है, सीआईडी की ही रिपोर्टें अगर सेफ नहीं है, उनकी ही नोटिफिकेशन, उनके ही इंक्वायरी नोटिस बाहर आ जाते हैं, तो फिर हम किसको सुरक्षित मानेंगे? सीआईडी ही इस पे बहुत बड़ा प्रश्न मार्क चिन्ह लगता है कि उनकी मीटिंग की जो मुद्दे थे उसकी कोई चर्चा नहीं है। साइबर संबंधी सिक्योरिटी जो भी हमारी सुरक्षा है उसका एक भी मुद्दे की चर्चा इनकी नहीं आती है। पूरा सीआईडी, मेरे को लगता है ये देश का पहला प्रदेश होगा जहां के मुख्यमंत्री ने पूरी सीआईडी को समोसे में उलझा के रख दिया। और इसलिए वो ठीक काम करें, हम फिर कहना चाहते हैं सरकार सजग हो, विकास के काम करे, यहाँ अनेकों युवाओं संबंधी नए अवसर आप ढूंढें। मैं फिर कहता हूँ हिमाचल का युवा और युवतियाँ सुपर स्किल्ड है अनेकों विषयों में, उनके सर्वे कराइए, सर्वे के बाद उनको काम दीजिए, रोजगार दीजिए और हिमाचल को आगे बढ़ाइए। जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं कि शिमला के शेर पंजाब में हम इस वक्त मौजूद है और
भाजपा जो युवा मोर्चा है उनकी तरफ से यहाँ पर समोसा मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। प्रदेश सरकार पर आरोप ये है कि प्रदेश सरकार जो है वो देश भर के अंदर इस तरीके की नोटिफिकेशने या इस तरीके की जांच बिठाकर जो है वो प्रदेश का देश भर में जो है वो नाम खराब कर रही है, हिमाचल प्रदेश को बदनाम कर रही है। समोसा को लेकर देश भर के अंदर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है उसी कड़ी में राजधानी शिमला के अंदर ये समोसा मार्च यहाँ पर माध्यमों के द्वारा निकाला जा रहा है। फिलहाल टिंच भारत के लिए यहाँ से बस इतना है, बाकी अपडेट के लिए आप बने रहे टिंच भारत के साथ। राजधानी शिमला से टिंच भारत के लिए अनिल पवार की रिपोर्ट।